माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साहेबगंज के तत्वावधान में मोटर दुर्घटना दावा वाद को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन व्यवहार न्यायालय साहेबगंज परिसर के लोक अदालत कक्ष में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सह वरीय सिविल जन धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह कार्यशाला मोटर दावा के मामले में काफी उपयोगी साबित होगा। कानून की पूरी जानकारी के अभाव में लोगों को मोटर दुर्घटना दावा नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि दावा के मामले में सबसे बड़ी भूमिका पुलिस अधिकारियों और बीमा कंपनियों की होती है। पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामले में पीड़ित पक्ष के साथ लचीला व्यवहार रखना चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा मिल सके उसके लिए कानून के पूरे प्रावधान का पालन करना चाहिए। मनोज कुमार सिंह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार इस कार्यशाला को बेहतर बनाने हेतु आमजन में इसी प्रचार प्रसार कार्य करने के लिए पुलिस कर्मियों बीमा कर्मियों और संबंधित लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि आमजन जागरूक होकर अपना दवा प्राप्त कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि मोटर दुर्घटना दवा को लेकर विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। संबंधित पक्ष जिनका मामला लंबित है सुलह समझौता के आधार पर वाद का निस्तारण करवा सकते हैं। डीजे थर्ड वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की ओर से कहा गया कि जांच एजेंसी को सड़क दुर्घटना को लेकर झारखंड सरकार द्वारा जारी नियम का पालन करना होगा। उन्हें सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विभाग के साथ समन्वयक स्थापित करना होगा। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को उनको हक दिलाना हमारा संयुक्त कर्तव्य है। सभा को एसपी साहेबगंज ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता के साथ समन्वय बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभानी चाहिए। गरीबों को सभी योजनाओं द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए जो सरकार द्वारा उनके लिए बनाए गए हैं। न्यायिक दंडाधिकारी एसके वर्मा सहायक लोक अभियोजक परिवहन विभाग के अधिकारी पुलिस स्टेशन के सभी प्रभारी अधिकारी अन्य पुलिस अधिकारी पीएलवी अदालत कर्मचारी और अन्य कार्यशाला में उपस्थित थे। शिकागो पिज्जा टेस्टी डिलीशियस यम्मी विजिट माई शॉप NF31 कुर्सेला नियर बालाजी धर्मकाटा।